लोगों को तो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कोई पहली बार फैसला नहीं आया, ये तीसरी बार फैसला आया है और तीन अलग अलग कोर्ट ने फैसला दिया है और ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र फंसा दिया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने फंसा दिया, क्या ये कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं? और शायद राजद के लोगों को ये नहीं मालूम है कि सीबीआई कोर्ट का जो जज होता है वो सीबीआई का कोई कर्मचारी नहीं होता है, वो सीबीआई का कोई अफसर नहीं होता, वो जुडिशरी का आदमी होता है, न्यायपालिका का आदमी होता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने फंसा दिया, बीजेपी ने फंसा दिया, तो क्या ये जो जज हैं वो कोई बीजेपी के चवनिया मेंबर हैं क्या, किसी पार्टी के मेंबर हैं क्या? वो जुडिशरी के आदमी हैं। आपके वकील ने पूरी बहस की, सीबीआई ने भी बहस की और फैसला हुआ है। जब कोर्ट से दोषी पाए गए हैं तो सजा तो होनी ही है। बिहार के कई जिलों के कोषागार से पैसे की निकासी हुई और वित्त मंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री तो थे ही, उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में बाकी सब विभागों के पैसे की निकासी रोक दी थी और पशुपालन विभाग को 80 से 90% की निकासी का आदेश दे दिया था। तो मानसा तो स्पष्ट थी कि पैसों को लूट लेना है, पैसे का घोटाला हो जाना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का नाम घसीटा जाता है, मैं सीधे बता दूं, जिस समय इन सारे चीजों का उद्भेदन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी ने आवाज लगाई थी कि इस तरह जो भ्रष्टाचार का आलम है, सरकार के द्वारा जो किए जा रहे भ्रष्टाचार है, उसमें कहीं न कहीं सरकार, राज्य सरकार की संलिप्तता थी और उस संलिप्तता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर आंदोलन किया। उस आंदोलन की परिणति को निर्णयों के साथ आत्मसात नहीं करना चाहिए, निर्णयों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, उन्हें आत्मविवेचना करनी चाहिए, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को यह अवश्य सोचना चाहिए कि यह मौका क्यों आया, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए।